तभी लॉन्च हुआ था 2017। भर भर के जियो धंधनादन जियो धंधनादन जियो धंधनादन, सब जगह जियो 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 के एड्स दिखाई दे रहे थे। चार पांच टीम को स्पॉन्सर किया था अगर याद होगा तो, हर एक दो मिनट में दीपिका पादुकोण रोहित शर्मा सब डांस कर रहे हैं, हर एक आईपीएल के एड में जियो 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 दिया। अभी दिख रहा है नहीं। तो जियो ने क्या किया, जब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट हुआ लॉन्च किया तभी उसको नाम बनाने का था, मतलब पब्लिक के मेमोरी में एच हो जाए वो नाम जियो जियो जियो, के पब्लिक भूल ना पाए। उसने इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि उसने अगले दो तीन चार साल के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा साथ में कर दिया। उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। सो व्हाट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एसेट, नॉट एन एसेट। वो मशीन नहीं है, वो फर्नीचर नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं है, वो खर्चा है, एक्सपेंस है, लेकिन तीन चार साल का खर्चा साथ में। क्यों किया जाता है? क्योंकि पब्लिक का माइंड में नाम बन जाए, पब्लिक तीन चार साल के बाद भी माल खरीदने आए और आपका धंधा होते रहे, भूलेगा नहीं। अभी भी तुमको याद रहेगा वो एड्स, अभी मैंने रिकलेक्ट करवाया, यू रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर दोस एड्स राइट। एंड तभी से तुम्हारे माइंड में जियो 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 का नाम आ चुका है, इतना फेमस हो चुका है, तुम भूले नहीं हो। और अभी भी जाके तुम सिम कार्ड खरीदते हो, फाइबर खरीदते हो, अभी उसको इतना ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है। यस और नो? That's called deferred revenue expenditure. अभी तीन चार साल का खर्चा, इट्स अ प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्या फर्क है प्रीपेड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में? छोटा सा फर्क है, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस उसका टाइम और अमाउंट फिक्स रहता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का टाइम और अमाउंट फिक्स नहीं रहता। मतलब अगर मेरा जगह का भाड़ा 1 लाख रुपीज है 1 ईयर का, और मैंने तीन साल का प्रीपेड पे कर दिया, तो 3 लाख रुपया प्रीपेड है, वो 3 साल ही चलेगा। कैन इट रन फॉर 3.5 ईयर्स? कैन आई यूज द प्लेस फॉर 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 2.5 ईयर्स? नो, एग्जैक्ट 3 ईयर्स चलेगा। दैट्स कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंस, दैट्स कॉल्ड अ, मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी साल की 2 लाख रुपीज, मैंने 3 साल के एडवांस कर दी तो 6 लाख रुपए एडवांस में दिए, वो 3 साल तक मुझे फ्यूचर में काम आएंगे। 4 साल आएंगे, 3.5 साल, 2.5 ईयर्स, नो, एग्जैक्ट 3 ईयर्स, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आर सर्टेन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट सर्टेन। अभी जियो ने ऐड तो कर लिया 2017, उसको लग रहा है कि 3 साल तक बेनिफिट आएगा, अभी अभी लग रहा था 3 साल तक आएगा, बट एग्जैक्ट 3 साल तक आएगा पता कर सकता है? कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गए, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन आ गए, शायद कस्टमर कम भी हो जाए, नए लोग आ गए, इसका एड्स का वैल्यू भी मतलब डिस्टॉर्ट हो जाए, पब्लिक भूल जाए, दूसरे ब्रांड्स आ जाए, तो शायद उसको बेनिफिट 3 साल मिले, शायद 2 साल मिले, शायद 4 साल भी मिल सकता है, शायद 3.5 साल भी मिल सकता है। तो इट इज नॉट सर्टन दैट हाउ मेनी फ्यूचर बेनिफिट, हाउ मेनी इयर्स का यू विल गेट, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट बेनिफिट पता चल जाता है, दैट्स कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? तो हाउ, वेयर इट इज शोन इन योर प्रेजेंटेशन, इज इट एन एक्सपेंस और इज इट एन एसेट? क्योंकि ये बीच का है, एक्सपेंस हैज गॉट अ लाइफ ऑफ 1 ईयर से लेस, एसेट हैज गॉट अ लाइफ ऑफ मोर 1 ईयर से मोर, एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बीच में, एसेट नहीं है एक्सपेंस है बट विद अ लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर, सो इट इज शोन एज एन एसेट, इट इज शोन एज एन एसेट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कैसे दिखाते हो आप? एसेट ना होते हुए भी उसको कैसे दिखाते हो? एसेट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, हेलो, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू भी एसेट होता है, ये फ्यूचर में एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस करते हो ना आप एडजस्टमेंट एंट्री, यार एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस जब पे करते हो तभी प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, फिर एक्सपेंस टू प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे एक्सपेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दैट यू पास इट इन फ्यूचर, जितना जितना यूज कर रहे हो उतना उतना एक्सपेंस में कन्वर्ट होते जाता है। फिलहाल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या ट्रीट करने का? एसेट, डोंट ट्रीट इट एज एक्सपेंस, ट्रीट इट एज asset. It is an expense with a life of more than a year. But what is the difference between a deferred revenue expense and a prepaid expense? दोनों similar ही है, future का खर्चा ही है, क्या फर्क है? Exact होता है, एक approximate होता है। Deferred revenue का एक example है heavy advertisement, heavy advertisement. एक और है heavy legal expense, heavy लीगल एक्सपेंस। हैवी लीगल एक्सपेंस मतलब आपने लॉयर अपॉइंट किया हुआ है, लॉयर की फीस देते हो आप पर केस 10,000,
अब पता है कितने केस लड़ूंगे अगले 3 साल में? मैं 10 केस ही लड़ूंगा, मैं 15 केसेस ही होंगे, ऐसा कुछ सर्टेनिटी है नहीं? आपने तो फीस देके रखी है, फिर जितने केस हुए उतने 3 साल भी चलेगा, कभी 2 साल में खत्म होगा, कभी 4 साल भी चलेगा. दैट्स कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. ओके, कैन नॉट बी फाउंड आउट विद सर्टेनिटी, अप्रोक्सीमेशन. इज दिस क्लियर? सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इज एक्सपेंस विद लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर. ओके, रेवेन्यू एक्सपेंस. देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आता है. बहुत बार किया आपने, पूरा सम्स भी किया, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट किया आपने. अकाउंटिंग ईयर पे टिक करो. अकाउंटिंग ईयर इज व्हाट? अ पीरियड ऑफ 12 months, एट द एंड ऑफ विच द बिजनेस प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट. एट द एंड ऑफ विच द बिजनेस प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर. बराबर छे? जनरली अकाउंटिंग ईयर इज कंसिडर्ड एज विच ईयर? पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. बट बिजनेस के ऊपर इट कैन टेक एनी ईयर एज अकाउंटिंग ईयर. देन नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रॉफिट बनाने के लिए, एक सर्विस करने के लिए, चैरिटी करने के लिए. जो प्रॉफिट वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग कंसर्न. और नॉट फॉर प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? नॉन ट्रेड, नॉट फॉर प्रॉफिट. कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न? कोई भी बिजनेस. ऑल बिजनेसेस आर फॉर प्रॉफिट. कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट? एनजीओस और नाशियो और गवर्नमेंट स्कूल्स. करेक्ट. सॉरी, ऑर्फनेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सो मेनी टेम्पल्स, सिद्धिविनायक, पारसधाम, तिरुपति बालाजी, महालक्ष्मी, ऑल दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट. इज इट क्लियर? लाइब्रेरीज होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होते हैं, अक्टूबर में भी एक है. पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक जिम खाना, ऑल दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट. इज इट क्लियर? सो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. ट्रेडिंग कंसर्न मतलब विच कंसर्न? दे आर रनिंग फॉर प्रॉफिट, मनी नहीं, प्रॉफिट, मनी दोनों में होता है. एंड नॉन ट्रेडिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट. तो गुडविल बताओ, व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स कॉल्ड गुडविल. व्हाट टाइप ऑफ एसेट इट इज? इंटैंजिबल, कैनॉट सी, कैनॉट टच, बट यू कैन फील इट. मॉनेटरी वैल्यू. अच्छी जगह एग्जाम्पल, 10 करोड़ का बिजनेस है, 10 में नहीं बेचेगा, 12 में देगा, नए ओनर को फायदा होने वाला है उसके बिजनेस से. ओके, दैट इज गुडविल. एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट और लॉस, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस? इनकम माइनस एक्सपेंस. ओके, इफ इनकम इज ग्रेटर यू मेक प्रॉफिट एंड एक्सपेंस इज ग्रेटर यू मेक लॉस. व्हाट इज इनकम ऑन एवरी ईयर? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू एंड इनकम बेसिकली सेम. ओके, रेवेन्यू एंड इनकम का मतलब बेसिकली सेम होता है, खाली 11th में तुमको ये अलग अलग करके देता है, स्पेशली एनएम वाला. रेवेन्यू मतलब सेल से जो है ना, सेल ऑफ गुड्स, उसको बोलते हैं रेवेन्यू. और बाकी सब इनकम को इनकम. सुना? सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू. और कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम. ये खाली 11 के लिए ध्यान रखना. इन जनरल हायर स्टैंडर्ड्स रेवेन्यू एंड इनकम होता है सेम. ओके, बट यहां के लिए याद रखना सेल ऑफ गुड्स वाला रेवेन्यू, बाकी इनकम. अभी टाइप्स ऑफ एसेट्स आपने किया. फिक्स्ड एसेट पता है आपको? लॉन्ग टर्म. करेंट एसेट पता है आपको? शॉर्ट टर्म. व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स? यू नो दीज आर फिक्टिशियस एसेट. इनका दूसरा नाम है फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक एसेट. मैंने अभी अभी क्या बोला? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, याद है आपको? व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस? एक्सपेंसेस विद लाइफ ऑफ मोर देन ईयर. एंड मैंने ये भी बताया, ये कहां दिखता है प्रेजेंटेशन? एसेट के फॉर्म में. कौन सा एसेट? इज इट रियल एसेट? कैन वी सेल इट? वी कैन सेल मशीनरी, राइट? वी कैन सेल कंप्यूटर, वी कैन सेल फर्नीचर, वी कैन सेल मोटर कार. कैन वी सेल अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक एसेट. इसको बेच के पैसा आने वाला, तो फिक्टिशियस एसेट बोलो या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर वन एंड द सेम. टाइप्स ऑफ लायबिलिटी करवाया मैंने. फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी याद है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. नेटवर्थ, ओनर इक्विटी पता है आपको? नेटवर्थ, ओनर इक्विटी, एसेट माइनस लायबिलिटी.
ओनर का पैसा, अकाउंट इक्वेशन भी बनाया था ना नीचे हमने, टोटल ऑफ एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व प्रॉफिट रहता है ना जो। हेलो, व्हाट इज ओनर्स इक्विटी? ओनर का पैसा इन द बिजनेस, इट इंक्लूड्स कैपिटल, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट, रिजर्व। रिजर्व्स बता रहे हैं ना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अपना ही प्रॉफिट है। द रिजर्व्स प्रॉफिट कैपिटल आर ऑल बिलोंगिंग टू ओनर, दैट्स कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सी पेज ये वाला राइट साइड 11th पे, कंटिंजेंट लायबिलिटी मिला। व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? मुझे बताओ व्हाट इज लोन? व्हाट आर क्रेडिटर्स? देना बाकी है, पक्का? नहीं दोगे तो चलेगा, पहला पकड़ेगा, बराबर? तो देना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड एज सर्टेन लायबिलिटी, दे आर कॉल्ड एज सर्टेन लायबिलिटी। देर इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी विच इज नॉट अ लायबिलिटी, देर इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी विच इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट विच मे हैपन विच मे नॉट हैपन। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो सर्टेन लायबिलिटी नहीं है, हैंगिंग लायबिलिटी है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर इवेंट विच मे हैपन और नॉट हैपन। तो वो कभी बुक्स में रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, इंफॉर्मेशन के जैसा दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, आप एक कोर्ट केस लड़ रहे हो, एक कुछ तो वर्कर है, उसने आपके केस ठोक दिया, वो बोल रहा है कि वो इंजर्ड हुआ है, वो काम करते करते हुआ है, तो उसको कॉम्पेंसेशन दो, और आपने भी उस पर केस ठोक दिया, बोला ये झूठ बोल रहा है हम लोग का नाम खराब करने के लिए, हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए, हमारा नाम खराब किया उसका। दोनों केस लड़ रहे हो मस्त में, मारामारी चालू है, अभी कोर्ट में पेंडिंग है केस, अगर वो जीता तो पैसा जाएगा, और अगर आप जीते तो शायद समझो पैसा ना देना पड़े, या कभी कभी पैसा आ भी जाए। तो अगर आप हार गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हेलो विश्वास, अगर आप हार गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। देना बाकी है लेकिन सर्टन नहीं है, देना पड़ेगा या नहीं। जीत गए तो देने की जरूरत नहीं, हार गए तो देना पड़ेगा। और जो जीत गया और पैसा आ गया वो सर्टन है, वो भी सर्टन नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट एसेट, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट एसेट, शायद आएगा शायद नहीं आएगा। तो लॉटरी तो बहुत वेग हो गया, कंटिजेंट एसेट मतलब यही हो गया, एक तो कोर्ट केस हो गया, या तो पर्सनल लॉटरी बराबर। नहीं नहीं, लॉटरी इज वेरी वेग, लॉटरी इज नॉट एन एसेट, तो कंटिजेंट एसेट भी नहीं, तो मैटर ऑफ लक है, लैक्स में एक प्रोबेबिलिटी है। आपने माल बेचा दुबई में, दुबई में वॉर हो गया, आपने माल बेचा दुबई में वॉर हो गया, पैसा लेना बाकी है, सर्टेनिटी नहीं है पैसा आएगा कि नहीं, वॉर रुकेगा तो पैसा आएगा, वॉर चलता रहेगा तब तक अटका पड़ा, दैट्स कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट एसेट। आएगा कि नहीं आएगा उसका गारंटी, समझा? लेकिन नॉट एंटायरली वेक, ओके, नॉट अ मैटर ऑफ लक, गैम्बलिंग इज नॉट एसेट। देन हाँ जी, नो बैड डेट रिकवरी तो अज्यूम करने का आएगा ही नहीं, वो भी ऐसा मनी ना मिलियन केस, वेरी रेयर चांस। बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी इज नॉट इवन कंटिंजेंट एसेट, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। इसमें तो क्या, आपने माल बेचा है ना दुबई में, तो एक्सपेक्टेशन है पैसा आ सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, शायद आएगा शायद नहीं आएगा। कोर्ट केस लड़ रहे हो, आशा अमर है शायद आएगा, लेकिन आएगा कि नहीं पता नहीं, शायद ना भी है, शायद आए शायद ना भी है। इसमें तो गारंटी, बैड डेट में तो है ही नहीं, उम्मीद ही छोड़ दी, नहीं देगा पैसा, दिया तो नसीब, ओके, आशा भी नहीं है। Now come to concepts. All concepts are damn important. Yes, Jinesh. सबके सब concept बहुत ज्यादा important है। इसमें से पांच से हमने किए हुए हैं, सुनना ध्यान से। First वाला बताओ, business entity concept, फटाफट। Business business
एंड व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली होते क्या अनसेड रूल्स जिसपे पूरा सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज बेस्ड सुने एकदम ध्यान से अ गुड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट एंड अ पुअर स्टूडेंट हैज दिस डिफरेंस दोनों जन सम फटाफट सॉल्व करेंगे 100 और 100 लेके आएंगे लेकिन जिसको कंसेप्ट आता है क्लैरिटी है फंडामेंटल्स आर क्लियर वो आगे निकले दूसरा वाला बैठा है तो कंसेप्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को और वहां पे आते हैं कंसेप्ट ठीक है फंडामेंटल्स क्यों हो रहा है वो इंपॉर्टेंट ओके मुझे बताओ एंटिटी कंसेप्ट व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस ड्यू टू दिस कंसेप्ट व्हाट आर वी डूइंग We record the transactions from the account of your business. Do we record personal entries of businessman in business? No. Or for that of business in personal books? No. Is a separate legal identity given to business? Separate identity. You can record all the transactions. You can calculate its profit or loss. घर का उससे कोई लेना देना नहीं क्यों किया जाता है सो दैट बराबर से प्रॉफिट लॉस ढूंढ पाओ और कंपेयर कर पाओ दूसरा वाला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये आपने शायद नहीं किया हाँ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में वही चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो विच कैन बी मॉनिटरली वैल्यूड ओनली दोज आइटम्स कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मॉनिटरली वैल्यूड कैन यू रिकॉर्ड 5 liters ऑफ मिल्क और 10 tons ऑफ आयरन ओर और 20 kgs ऑफ एल्यूमिनियम केजीज आयन और टन्स में नहीं सबको किसमें कन्वर्ट करने का मनी कैन यू रिकॉर्ड सनलाइट परचेज सी वॉटर परचेज एयर परचेज नो नो मॉनिटरी वैल्यू सो ओनली दोज आइटम्स कैन बी रिकॉर्डेड विच अबाउट मॉनिटरी वैल्यू विच इज अ बिग फ्लॉ बिकॉज विच इज अ फ्लॉ क्यों फ्लॉ है बिकॉज बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी बिजनेस इज वॉट यू नो बिगेस्ट एसेट फॉर एनी बिजनेस गुडविल का वैल्यू कर सकते हो मनी में पैसा तो पैसा ही है वो भी मॉनिटरी वैल्यू वो भी बड़ा एसेट है उससे भी बड़ा एसेट ह्यूमंस एनी बिजनेस इज खोखला विदाउट इट्स मैनेजिंग पर्सन ह्यूमन ह्यूमन इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी बिजनेस बट कैन यू वैल्यू ह्यूमन ये 50 lakh का है ये 1 crore का है ये 1.5 crore का हाँ जी नहीं 2 crore का है 2 crore का 1 crore का कितने का वैल्यू नहीं कर सकते तो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी वैल्यू इसलिए हम उसकी सैलरी डिसाइड कर लें पर मंथ बेसिस पे इतना दे देंगे बट दैट इज नॉट अ करेक्ट बैरोमीटर बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस इट इज एन एसेट सो वो एसेट कितना चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है वो वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ दिस मनी मेजरमेंट एंड दैट्स व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट जब स्प्लिट हुआ ना धीरूभाई अंबानी का बिजनेस तो अनिल एंड मुकेश गॉट इक्वल एसेट्स दोनों को सेम मिला अनिल का 10% 5% 1% हो गया 0 हो गया बैंकक्रप्ट मुकेश ने उसको 100 times बनाया कितना 10 times भी नहीं 100 times बना दिया बिकॉज व्हाट वाज द डिफरेंस ह्यूमन मैनेजिंग ब्रेन ओके एट द बिगेस्ट एसेट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओके There is a branch of accounting called human resource accounting. वो try करते हैं उसका past experience वगैरह कर करके valuing the human being, पर वो अभी तक आया नहीं चल रहा है cost concept पता है आपको तीसरा वाला cost concept क्या होता है Asset should be valued at historical cost and market में अगर fluctuate हो रहा है value, तो आप change करोगे घड़ी घड़ी change करने का नहीं okay? Changes दिखाने का नहीं खाली लेने का डेप्रिशिएट करने का बेचने का ये चेंज करोगे तो आपका प्रॉफिट भी जंप मारेगा प्रॉफिट का जंप मारना अच्छी बात नहीं एक बार एसेट खरीद के रखा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखो और उसको यूज करो डेप्रिशिएट करो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ वन व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सुनो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है आप अकाउंटिंग में कोई भी पॉलिसी चूज करो पॉलिसी मतलब रूल कोई भी रूल अडॉप्ट करो उस रूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करो
घड़ी घड़ी चेंज मत करो. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. आपको पता है डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करता है उसको कैलकुलेट करने के 10 मेथड्स आप लर्न करोगे आगे. इस साल आपको दो है, फिर सीएमए के बाद. तो 10 अलग अलग मेथड होते हैं, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो उसमें से जो भी मेथड आप चूज करोगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. जैसे कि एक मेथड है एफआईएल, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. दूसरा है आरबीएल. तो अगर आपने एफआईएम चूज किया तो एफआईएम ही हर साल यूज करो. आरबीएम किया तो आरबीएम ही हर साल यूज करो. ऐसा नहीं एक साल एफआईएम, एक साल आरबीएम, एक साल एफआईएम, एक साल आरबीएम, ऐसा जंप मारने का नहीं. दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी. सो व्हाट एवर रूल यू चूज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फॉलो, ये रूल्स अभी तक आपने किए नहीं है, रूल्स आगे आगे आएंगे, पॉलिसीज आगे पता चलेंगे. एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने डेप्री का दिया है अभी, और डिटेल में इस साल के एंड में, नेक्स्ट ईयर में और पॉलिसीज आपको पता चलेंगी. जो भी पॉलिसीज बिजनेस अडॉप्ट करता है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने का. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लास है, तो क्लास का पॉलिसी है टाइम पे आने का है 7:15. मैं एक दिन 7:15 रखू लेक्चर, एक दिन 8 o'clock रखू, फिर वापस 7:30 कर दू, वापस 9:50 कर दू, तो जमेगा, अच्छा लगेगा आपको. इट विल क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन, इट विल क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन. 6 बजे रख दू, 6:30 पॉलिसी डिसाइड हुई, ये पॉलिसी है उसमें स्टिक टू रहने का, घड़ी घड़ी चेंज करने का नहीं. कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. कंजर्वेटिज्म सुनो ध्यान से, ये आएगा पक्का थियरी में. व्हाट डज कंजर्वेटिज्म स्टेट? कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट बिजनेस डर डर के करने का मतलब प्रोवाइड फॉर लॉसेस इन एडवांस बट नेवर प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड गेन्स. मतलब आपको लगता है कि इस साल कुछ लॉस हो सकता है, एडवांस में दिखा देगा, एडवांस में दिखा देगा, रिकॉर्ड कर देगा, बट फ्यूचर का गेन्स कभी एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करने का. इन शॉर्ट पेपर खराब गया, घर में जाके मम्मी पापा को बोल देना पेपर खराब फ्यूचर मार्क्स सोचा उसने, पेपर सारू भी छे मार्क्स सारा होते, फिर पेपर में मार्क्स आएगा और खराब आएगा तो ज्यादा जूता पड़ेगा. दैट इज बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी. आप पहले खराब बोलो फिर खराब होगा तो इतना झटका लगेगा नहीं, लेकिन पहले अच्छा अच्छा बोलो और फिर खराब निकला तो ज्यादा बराबर है. तो दैट्स द बेसिक ह्यूमन नेचर, दैट्स व्हाई वी फॉलो कंजर्वेटिज्म इन बुककीपिंग. इन शॉर्ट इस साल मैंने माल बेचा 50,000 का डेटर को, कितना लेना है मेरे को 50,000 लेना है डेटर से. मेरे को लगता है इसमें से 5,000 को गया गुजरा है, मेरे को देगा ही नहीं पैसा, इंट्यूशन हो गया मेरे को, भगवान बोल दिया ये मेरे को पैसा देगा नहीं. तो मैं अभी